हाय गाइस, जय जलाराम टू ऑल ऑफ यू, ओम नमः शिवाय। फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक छोटा सा वीडियो इंटरव्यू लेकर। मीत भाव साहब जो कि साल कॉलेज में है, 7th सेमेस्टर के अंदर इनको ऑफर मिल गई है अच्छी सी कंपनी से, कैप जेमिनी, जो कि एक बहुत ही बड़ी MNC कंपनी है। और बड़ी बात यह है कि 3rd सेमेस्टर से मीत ने रॉयल ज्वाइन किया था, कोडिंग सीखना चालू किया। आज उसका बेनिफिट उसके लाइफ में इस तरह से मिल रहा है, वो अवार्ड की नॉर्मली 7th सेम में स्टूडेंट प्रोजेक्ट ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, राइट। क्योंकि मीत ने रॉयल टाइम पे ज्वाइन किया और अच्छे मेंटर्स के बीच में उसकी परवरिश हुई, उसके कारण और उसकी खुद की मेहनत और पैशन, क्योंकि वो पीछे पड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु अगर शिष्य के पीछे पड़े तो अच्छा है, लेकिन शिष्य गुरु के पीछे पड़ जाए तो बहुत आगे निकल जाता है। तो मीत भावसार से एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे जहाँ पे मीत आपको खुद का इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। माय नेम इज़ मीत भावसार। मैंने 3rd सेम से ज्वाइन किया है रॉयल, और मैं यहाँ पे सी से स्टार्ट किया था यहाँ पे। तब मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगा आगे, बट मुझे जो मिला गाइडेंस धीरज सर से, और उन्होंने जो मुझे गाइड किया कि कौन से पाथ पर मुझे जाना चाहिए, तो उस वो गाइडेंस की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। फिर मैंने जावा स्टार्ट किया, उसमें मेरे को समीर सर और धीरज सर ने और तेजस सर ने, उन्होंने उनका पूरा गाइडेंस मिला और नॉलेज, मतलब उन्होंने जो दिया है उसकी वजह से ही मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। सो दैट वॉज इनक्रेडिबल। और मैं सबको वही कहना चाहूँगा कि जो सर बोल रहा है, जो पाथ वो दे रहा है, वो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, थैंक यू। राइट, सो जो लोग अभी भी इंटेंट